स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2.4। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी का मतलब होता है एकजुटता, मतलब एक साथ रहकर कोई काम करना। और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। इस टाइटल का मतलब ये है कि अगर हम एक साथ रहकर काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से हो पाएगा और वही हमारी ताकत है। ये जो कहानी है वो एक बूढ़े आदमी की है और उसके चार बेटों की है जो हमेशा लड़ते रहते थे। तो आइए पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड विद हिज फोर सन्स इन अ विलेज। एक आदमी जो बूढ़ा था वो अपने चार बेटों के साथ एक गांव में रहता था। द ओल्ड मैन वॉज वरिड। वो जो आदमी था वो बहुत चिंतित था, हमेशा चिंता में रहता था। His sons were always quarreling with each other. उसके जो बेटे थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे हर बात पर। They would never agree on any point. वो किसी भी बात पर agree नहीं करते थे, मतलब हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, हमेशा लड़ते थे एक दूसरे से। The old man had tried telling them many times to avoid the fighting. उनके जो पिता थे, उनके फादर थे, उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाने की कोशिश करी कि ताकि वो लड़ना बंद कर दें। बट हिज सन्स वुड नेवर लिसन टू हिम। पर उसके जो बेटे थे वो कभी उसकी बात नहीं मानते थे, अपने पिता की बात नहीं मानते थे। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। वो हर बात पर लड़ते रहते थे, उसके जो चार बेटे थे। वन डे ही कॉल्ड हिज फोर सन्स। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क देम टू ब्रेक द बंडल इंटू टू। इसका मतलब है कि उसने अपने हर एक बेटे को बंडल ऑफ स्टिक्स दिए। बंडल ऑफ स्टिक्स क्या होते हैं? स्टिक्स मतलब छड़ी, छड़ियाँ, बहुत सारी छड़ियाँ एक साथ होती है तो उसे हम बंडल बोलते हैं। तो लकड़ी की जो छड़ी थी वो उसने जो हर एक बंडल एक एक अपने बेटों को देता गया और उनसे कहा कि इस बंडल को तोड़ कर दिखाओ। इट इज़ सो ईजी, सेड द एल्डेस्ट सन। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका, उसने बोला कि ये तो बहुत आसान है इन्हें तोड़ना। ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट। उसने वो बंडल लिया और उसे तोड़ने की कोशिश करी। ही वॉज सरप्राइज दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकन। लेकिन वो जो बंडल था वो नहीं टूटा। ही यूज्ड मोर फोर्स। उसने और ज़्यादा ताकत लगाई उस बंडल को तोड़ने के लिए। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। वो बार बार कोशिश करता गया बट द बंडल और स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। ही गेव अप। लेकिन जो उसका बंडल था स्टिक्स का वो नहीं टूटा। आखिरकार उसने अपनी जान लगानी, अपनी ताकत लगानी छोड़ दी और वो हार मान गया। देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। फिर उसके जो भाई थे उन्होंने उस बंडल को तोड़ने की कोशिश करी। दे ट्राइड हार्ड बट दे टू नॉट सक्सीड। उन्होंने भी बहुत कोशिश करी लेकिन उनसे भी वो बंडल नहीं टूटा। फिर उन्होंने भी हार मान ली। देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू यूनाइट द बंडल। फिर जो उसके पिता थे, उनके पिता थे, उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं टूट रहा है, पर ऐसा करो कि इस जो बंडल है, जो स्टिक्स है, उनको एक साथ लेके आओ, एक साथ लगाओ। नाउ द स्टिक्स वर सेपरेटेड। जब उन्होंने बंडल खोला तो सारी स्टिक्स अलग अलग हो गई। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। फिर जो उन्होंने बंडल खोला था तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने एक एक छड़ियाँ, एक एक स्टिक अपने एक एक बेटे को दी और कहा कि इसे तोड़ो। अब जो सिंगल स्टिक होती है वो तोड़ने में बहुत आसान होती है, लेकिन जो बंडल होता है वो तोड़ने में मुश्किल होता है। इन नो टाइम द स्टिक्स वर बेंट एंड ब्रोकन। जैसे ही उन्होंने इसको स्टिक्स दी अपने बेटों को, उन्होंने उसे तोड़ लिया, बहुत आसानी से तोड़ा उन्होंने। अ सिंगल स्टिक इज़ ब्रोकन। एक छड़ी तोड़ना बहुत आसान होता है।
इफ़ फोर स्टिक्स कम टुगेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक दैम, लेकिन अगर एक की जगह हम चार छड़ियाँ एक साथ तोड़ने जाएं तो बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल के साथ वो इम्पॉसिबल भी होता है तोड़ना, मतलब हम उसे नहीं तोड़ पाते। इफ़ यू आर यूनाइटेड, हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी। तभी उनके पिता ने उन्हें यह सीख दी, अपने चारों बेटों को ये समझाया कि इसी स्टिक की तरह अगर तुम लोग यूनाइटेड रहोगे हमेशा, यूनाइटेड मतलब एक साथ रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, एक फ्रेंडशिप एक दोस्ती की तरह अपना निभाओगे रिश्ता, तो तुम्हें कोई भी तुम्हारा एनिमी जो शत्रु होता है वो तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्फ एंड कीप फाइटिंग, यू विल बी एज वीक एज द स्टिक इन दैट हैंड बंडल। लेकिन अगर तुम इस एक एक स्टिक की तरह अलग अलग रहोगे तो तुम इस कमज़ोर हो जाओगे इसी स्टिक की तरह, और कोई भी तुम्हें आकर तोड़ जाएगा। तोड़ने का मतलब है कि कोई भी तुम्हारा नुकसान करा देगा या जो भी है। रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। याद रखो कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर हम डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए, तो कोई भी आसानी से आके हमें नुकसान पहुंचा देगा, हमारा नुकसान करवा देगा। सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक। उसके पिताजी ने उन्हें ये सब समझाया। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड अ लेसन। और इस बार उनके जो चार बेटे थे वो अच्छी तरह समझ गए, उन्होंने एक सीख ली। दे स्टॉप्ड फाइटिंग विद ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दैट रियली हेल्प देम। और उन्होंने एक साथ एक टीम की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, जो उन्हें बहुत हेल्प कर रहा था, बहुत मदद दे रहा था। कैसे मदद दे रहा था? इस कहानी का यही मतलब है कि अगर हम एक साथ हैं, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से होगा, और कोई भी बाहर का आदमी हमको कुछ भी कहेगा तो हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एक साथ रहेंगे वही हमारी ताकत है, एक साथ रहना हमारी ताकत है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हम अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहेंगे, तो कोई भी आकर हमें नुकसान पहुंचा देगा, और हमारा कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो ठीक से कंप्लीट नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इस कहानी का यही मतलब है। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाई वॉज द ओल्ड मैन वरीड? जो बूढ़ा आदमी था वो चिंतित क्यों था, उसको क्यों चिंता थी? व्हाट हेल्प्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन द सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ द स्टिक्स? जब उन चार बेटों ने उस बंडल को तोड़ने की कोशिश करी, उस छड़ियों की बंडल को तोड़ने की कोशिश करी, तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड व्हेन द सिंगल स्टिक्स? और जब उन्होंने एक स्टिक तोड़ने की कोशिश करी तब क्या हुआ? व्हाट लेसन डिड द सन्स लर्न? इससे उनके जो बेटे थे चार, उन्होंने क्या सीख ली? ये सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनके उल्टे सीधे सेंटेंस मतलब ऊपर नीचे दे रखे हैं, आपको इन्हें एक के प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। वरिड मैन वॉज द ओल्ड मैन वॉज वरिड। ये एक एग्जाम्पल है। आपको जो वर्ड्स हैं वो एक ही जम्बल्ड वर्ड्स जिसे हम बोलते हैं, जम्बल सेंटेंसेज हैं, आपको ये ठीक क्रम में सेंटेंस बना के लिखने हैं। एवरी थिंग फॉर फाइट दे वुड, स्टिक्स ऑफ द बंडल डिड ब्रेक नॉट, ईजिली ब्रोकन स्टिक अ सिंगल इज, स्टैंड डिवाइडेड फॉल यूनाइटेड वी। आपको जब ये पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही इसका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। फाइंड द स्मॉल वर्ड्स हिडन इन द बिग वर्ड।
आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको उसमें स्मॉल वर्ड यानी कि छोटे वर्ड ढूंढने हैं, जैसे एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। एवरीथिंग में आप देख सकते हो एवरी एक स्मॉल वर्ड है, थिन स्मॉल वर्ड है, वेरी भी एक स्मॉल वर्ड है और थिंग भी एक स्मॉल वर्ड है। इसी तरह आपको आगे के लिखने हैं फ्रेंडशिप, सेपरेटेड, टुगेदर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें पढ़ो। चेंज द कलर्ड वर्ड्स इनटू विद न्यू वर्ड्स टू फॉर्म न्यू सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कलर्ड वर्ड्स हैं, मतलब वर्ड्स को कलर किया गया है, उनको आपको चेंज करने हैं नए वर्ड्स में ताकि नया सेंटेंस बन जाए, आपको नया सेंटेंस बनाना है। द ओल्ड मैन वॉज वरीड, द यंग वोमैन वॉज हैप्पी। इसमें द ओल्ड मैन है उसको रिप्लेस करके यंग वुमेन, ओल्ड का जो वो यंग दिया गया है, ओल्ड का यंग दिया गया है, मैन का वुमेन कर दिया गया है, वरीड का हैप्पी कर दिया गया है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने ऑपोजिट वर्ड्स किए हैं। जैसे ओल्ड का ऑपोजिट वर्ड यंग होता है, बूढ़ा, जवान, आदमी, औरत, इस तरह। तो ओल्ड का जो उन्होंने यंग कर दिया है, मैन का वुमेन कर दिया है और वरीड का हैप्पी कर दिया है। इसी तरह ही टुक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट। एन ओल्ड मैन लिव्ड विद हिज फोर सन्स इन अ विलेज। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड अ लेसन, ही गेव देम स्मॉल स्टिक्स। राइट द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ड्स एट द सेंटर। आपको एक फ्लावर दिख रहे हैं, तीन फ्लावर, उनके सेंटर में एक वर्ड लिखा है, मैन, ट्री, फ्लावर। आपको इसके बारे में, जैसे मैन है तो उसमें लिखा है ओल्ड यानी कि ओल्ड मैन, इसी तरह आपको और लिखना है मैन। अब जैसे ट्री है तो बिग ट्री, फ्लावर, पिंक फ्लावर, ऐसे आपको लिखना है।